नमस्कार अंडमान वासियों, मैं डॉक्टर ज्योतिर्मय दास, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट अंडमान आ रहा हूँ मैं। आपका कुछ भी अगर हार्ट का प्रॉब्लम हो, हार्ट में दर्द हो, पल्पिटेशन हो, या कोई आपको धड़कन तेज हो रहा हो, तो आके हमसे मिलिएगा। हम आपके जगह आ रहे हैं और आपको हमारा इंतज़ार रहेगा और हम आपको वहीं पर देखेंगे। थैंक यू। जन जन की आंखों के सपने लेके चले, उम्मीदों को देखो कैसे नए पंख लगे, तीन रंग में रंगा तिरंगा शान से भारत माँ के माथे पर फिर से मुकुट सजाया, फिर से मुकुट सजाया। आंखों से छल के सपने करके दिखलाए हैं, देश का परचम लहरा कर आगे बढ़ते आए हैं। नई उमंग है, नई तरंग है, आशा के दीप जलाए हैं, बढ़ना हर उम्मीद के पार है, भारत की यही पुकार। फिर एक बार, एक बार बड़ी ये दफो, फिर एक बार मोदी सरकार। नमस्कार, मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम जो है डॉक्टर के लक्ष्मण जी से मिलने आए हैं, जो राज्यसभा मेंबर है और साथ ही बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप सब ने सुना ही होगा कि लक्ष्मण जी जो है एक दिन के दौरे पर अंडमान निकोबार आए हैं एंड इनका जो है बीजेपी में एक बहुत अहम पोजिशन है और इनकी बातों को काफ़ी गंभीरता से भी ली जाती है। तो यहाँ पे मजबूती लाने के लिए, लोगों को बीजेपी की जो बातें हैं उनको अच्छे तरीके से समझाने के लिए लक्ष्मण जी यहाँ आए हैं, ताकि अंडमान के जनता को इन चुनावों के दौरान बीजेपी की तरफ से जो भी जनता के लिए की जाने वाली है आगे भविष्य में भी, उन सारी बातों को उन्होंने यहाँ पे कुछ पब्लिक मीटिंग्स में उन्होंने रखी है, उन्हीं को लेकर हम सर से जानना चाहेंगे, वो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। पार्लियामेंट का चुनाव देशभर में जोरा है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का माहौल पूरा देश में बन, अंडमान निकोबार अतीत नहीं है, क्योंकि 10 साल मुख्यमंत्री के नाते, प्रधानमंत्री के नाते मोदी जी ने उनके कार्यकाल में विकास, विरासत, गरीब कल्याण योजना और जो असंभव मानते थे वो संभव करके दिखाया। इतना तेजी से विकास कभी हुआ नहीं। हम यही तुलना करना चाहते कि लोगों के बीच में चर्चा भी और संवाद भी करना चाहते कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए एक दिन का प्रवास अंडमान निकोबार राज्य के अंदर पोर्ट ब्लेयर आज सुबह से लगातार प्रचार निमित्त कई गांव गए थे और शहर के अंदर भी कई लोगों को मिले और जनसभा भी आगे किया जा रहा है। सभी जगह एक ही नारा गूंज रहे कि पूरा पोर्ट ब्लेयर के अंदर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना और हैट्रिक प्रधानमंत्री
के नाते देखने के लिए यहाँ के अंडमान के लोग उत्सुक हैं, क्योंकि 10 साल के अंदर देश में जो विकास किया गया और गरीब के जो योजना मोदी जी ने बनाया गया, हर व्यक्ति को आज वो जो लाभान्वित है, आज बगैर कोई दलाली का व्यवस्था के रूप में 34 लाख करोड़ रुपए गरीब के बैंक के खाते में सीधा सीधा पहुंचाया। मोदी जी के शासन में जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, इसलिए अंडमान निकोबार ये लगभग 10 साल के अंदर इतना विकास, 30,000 करोड़ रुपया राशि पहुंचाया गया। आज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हो और अन्य इतने गरीबों के हित के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपये सालाना 3 किस्ती में जो दिया गया, लगभग 40 करोड़ रुपए और 16,000 किसानों को लाभान्वित हुए। और गरीब कल्याण अन्ना योजना के नाम पे कोई गरीब भूखा पेट नहीं सोना मोदी जी का संकल्प था। और 80 करोड़ आबादी को देश भर में किस तरह वितरण किया गया, और हमारे अंडमान के अंदर भी लगभग 63 लाख गरीबों के लिए ये अन्न योजना के नाम पर उनको आज दिया जा रहा है। कोई कांग्रेस सरकार में शासन में 50 साल में जितने आप किए उससे बढ़कर ही मोदी जी ने किया, और भ्रष्टाचार रहित सरकार, परिवारवाद रहित सरकार आज जो मोदी जी के नेतृत्व में शासन किया, और आने वाले दिनों में और विकास आगे तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, और गरीब के योजना भी अंतिम व्यक्ति तक और लेना चाहते हैं भी, इसलिए यही मुद्दे को लेकर हम प्रचार कर रहे हैं। मगर हमारे विपक्ष के जो नेता है इन मुद्दों को छोड़कर वो व्यक्तिगत रूप में मोदी जी के जाति के ऊपर टिप्पणी करना या अलग अलग मुद्दे जो देश के बंटवारे के लिए जो मुद्दे है वो लोगों के सामने रखना, ये दक्षिण राज्य के लिए अलग देश मांगना, ऐसे मुद्दे जो किया जा रहा है, और वोट बैंक राजनीति जो करना चाह रहे लोग उनका असली चेहरा पता चल गया। अभी पहली बार राहुल गांधी ने ओबीसी समाज के ऊपर मगरमच्छ के आंसू बह रहे। आप जब सरकार में थे, आपके दादा सहित नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक किस तरह समय समय पर आप ओबीसी उत्थान के लिए जो कमीशन सिफारिश किए उसको ठुकरा दिए, काका कलेकर कमीशन को नेहरू जी ने ठंडे बस्ती में फेंक दिया, और राजीव गांधी ने प्रतिपक्ष विपक्ष नेता के नाते मंडल कमीशन सिफारिश को भी ठुकराया, विरोध करा, और ये भी बताया कि जाति आरक्षण होना नहीं चाहिए। और नेहरू जी भी उस जमाने में सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा कि ये जाति के आधार पर आरक्षण किया गया तो पूरा देश और ये जाति के नाम पर बंटवारा होगा। इस तरह आप हर समय समय पर ओबीसी का विरोध किए, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में ओबीसी के जो भला हुआ, ओबीसी के हित के लिए जो योजना बनाए, इन सब मुद्दों को लेकर गांव-गांव जा रहे और घर घर भी पहुंच रहे, हर वोटर को भी जागरूक कर रहे। सर सही बात है, लेकिन हमारे अंडमान निकोबार में ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो भारत के दूसरे हिस्सों में नहीं है, उन मुद्दों पर आप लोगों का कितना ध्यान रहेगा? जरूर, मोदी जी ने जब सबका साथ सबका विकास नारा को लेकर जो शासन करते हैं, उत्तर पूर्व राज्य हो, दक्षिण हो, अंडमान निकोबार जैसे कांग्रेस के शासन में जो वंचित किया गया था, आज देखो उत्तर पूर्व राज्यों में विकास के नाम पर जो 1,000 करोड़ रुपए जो खर्च किया, तो इसीलिए बार बार वहाँ पे बीजेपी जीत के आ रही। इसी तरह अंडमान में भी लगभग 30,000 करोड़ राशि बजट में आवंटन किया यहाँ के विकास के लिए, कहीं आज मेडिकल कॉलेजेस हो, लॉ कॉलेजेस हो, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना राशि जो दिया इसके पहले कांग्रेस के शासन कभी मुमकिन ही नहीं हुआ। इसीलिए लोग जानते हैं कि चाहे दक्षिण हो या उत्तर हो या पूर्वी राज्य हो या हमारे अंडमान निकोबार जैसे राज्य हो, जहाँ जिन राज्यों में हमारा लोगों का समर्थन नहीं मिला वहाँ पे भी मोदी जी ने टीम इंडिया के नाते काम करते हैं। इसलिए तेलुगु
राज्यों जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बड़ी जीत हासिल नहीं करे, फिर भी आज मोदी जी ने आज बड़ी राशि देकर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर उन राज्यों में भी आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का, इसीलिए क्योंकि विकास का मुद्दे के नाम पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, आज आपने जहाँ पे जो दो पब्लिक मीटिंग की थी वो दोनों जगह डेयरी फार्म और जंगलीघाट दोनों जगह, खासकर वो वहां पर जो है मछुआरे समुदाय के लोग रहते हैं, तो उनके लिए भाजपा सरकार की ओर से क्या कुछ खास होगा कि आप उनको आकर्षित कर सके? आज उनको यही हम खुलासा किए और बताए भी कि मोदी जी सरकार ने ही मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय बना पहली बार, और बजट में आवंटन 20,000 करोड़ दिया गया, 50% उसका सब्सिडी दिया जा रहा है। इन मुद्दों को उनको समझाया और काफी लोग भी उसका लाभान्वित हुए। उतना ही नहीं, जो भी कारोबार है उनके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी बना है, ये सब उनको मुद्दे को बताया। इसके पहले कभी कांग्रेस सरकार में शासन में ऐसे योजना बनाई भी नहीं, इसलिए आज मछुआरा भी खुश है। पूरे लोग आज मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और वो बड़ी विश्वास से बता रहे कि हम मोदी जी को जिताएंगे। आज यहाँ के इसके पूर्व सांसद जो विष्णुप्रिय था, इस बार उनको जिताने के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं। मोदी जी ने भेजा है इनको वोट के लिए, आप लोग के लिए आया साहब मोदी जी भेजे हैं इनको, ये हमारे देशमंता ना कुटुंबमने ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు, అదక్ నుంచి కటక్ వరకు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పౌరుడు కూడా నా కుటుంబ సభ్యులుగా భావించి మన బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసం ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు పనిచేస్తా ఉన్నారు. ఆ పార్టీలు ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నాయి? వాళ్ళ బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసం, వీళ్ళ సంక్షేమం కోసం. ఇవాళ ఒక పేద కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు, పేదరికం అనుభవించిన వ్యక్తిగా, పేదల కష్టాలు తెచ్చిన వ్యక్తిగా, తన తల్లి పొరిగిళ్లలో పనిచేసి నరేంద్ర మోడీ గారిని పెంచి పెద్దవాడి చేస్తే, తన చదువు కోసం రైల్వే క్యాంటీన్ లో ఛాయ ముక్కున్న వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ. ఇవాళ అటువంటి పేదవాడు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయితే ఏ రకంగా ఇవాళ దేశాన్ని అభివృద్ధి చేస్తా ఉన్నాడు, ఇవాళ ప్రపంచం గర్వపడుతూ ఉన్నది. ఇవాళ ఒక ఛాయ ముక్కున్న వ్యక్తి దేశాన్ని ఇంత అభివృద్ధి దిశలో పేదల సంక్షేమం కోసం. ఆప్ ఆజీ అండమాన్ అయ్యోగ, ఆప్కో అండమాన్ కా మహోర్ యహాన్ కా అబహవ క్యా లగ్ రహా సర్, క్యా ఇషారా కర్ రహే? లోగ్ సరల్ హై, అచ్చే హై, యా పూరే పర్యాటక రంగ్ కే ఆధార్ పర్ యా అప్నా జీవన్ బీత్ రహే. మోదీ జీ నే ఇన్ ద్వీపో కో హమారా సంస్కృతి కే ఆధార్ పర్ కై నామ్ భీ బదల్ గయే. ఆజ్ స్వరాజ్ ద్వీప్ కే నామ్ పర్, సుభాష్ చంద్ర బోస్ కే నామ్ పర్, జో రాస్ ఐలాండ్ జో తా, ఆజ్ నామ్ బదల్ కర్ భీ हमारा यहाँ का लोगों का, मूल वासियों का भी आज उनका गौरव बढ़ा जा रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में अंडमान निकोबार को अलग पहचान दिया जा रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर, थैंक यू सो मच। अभी हम केआर सुरेश कुमार जी से बात करेंगे जो अंडमान निकोबार ओबीसी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट है। और लक्ष्मण सर का ये जो ट्रिप था, उनके साथ इनके साथ पूरी टीम थी, और इस दौरे को लेकर उन्हें क्या कहना है हम उन्हीं से जानेंगे। जय हिंद सर। नमस्कार, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ओबीसी समुदाय के सारे लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा, नमस्कार। हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों को न्यूज़ अंडमान 24/7 के माध्यम से, और हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर के लक्ष्मण जी का जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे द्वीप में आए और हमारे ओबीसी समुदाय को और मजबूत किया और ऊर्जा हमारे ओबीसी समुदाय के अंदर में भरा, जिससे कि आने वाले इलेक्शन में हम इसका भरपूर उनको फ्रूटफुल रिजल्ट देने का कोशिश करेंगे। दूसरी बात, मोदी जी, हम इतने दूर दराज में रहते हैं, मोदी जी ने हमें अलग नहीं किया, मोदी जी ने हमें अपना परिवार के साथ जोड़ के रखा,
और हमें अपना परिवार का मेंबर बना के डॉक्टर के लक्ष्मण जी को हमारे बीच भेजा है, एक ही दिन के लिए भेजा है, लेकिन बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी उन्होंने अपना भरपूर हमें सहयोग दिया है, हमारे साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग किया है और हमारे बीच में रह के हमें, हमारे लोगों को ऐसा नहीं महसूस हुआ है कि हम उनसे पहली बार ही मिल रहे हैं, ऐसा लगा हमें कि हम उनसे कई सालों से जानते हैं, उनका व्यवहार, उनका सबका साथ में मिलना जुलना और मोदी जी का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना जो हमें सहयोग दिया है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण जी का यहाँ पर आना और लोगों के साथ पब्लिक मीटिंग करना एंड बीजेपी की ओर से जो भी लोगों के लिए जो भी पॉजिटिव चीज़ है उन सब बारे में बताना, इससे लगता है कि आपको इस बार जो चुनाव में है असर पड़ेगा और इस बार पासा पलटेगा और आप लोगों की सरकार आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल 16 आना सही बात कहा है, इस बार सरकार पलटेगी और अंडमान में कमल का फूल खिला के हम दिल्ली भेजेंगे और इसका श्रेय पूरा जाता है हमारे डॉक्टर के लक्ष्मण जी को, जिन्होंने एक समुदाय था जो ओबीसी समुदाय जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत ज़्यादा तादाद में है, और हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में ओबीसी समुदाय कोई कास्ट को देख के नहीं दिया गया, अंडमान निकोबार आइलैंड में जो भी पुराने बसाए हुए लोग हैं वो सारे ओबीसी में आते हैं, चाहे वो pre-42 हो, चाहे pre-42 ओल्ड इनहेबिटेंट्स हो, चाहे भातू हो, चाहे क्रेन हो, चाहे बंगाली सेटलर्स हो, चाहे मोपला हो, वो सारे ओबीसी समुदाय में आते हैं। और मुझे ये जानकर खुशी होगी, बताते हुए खुशी होगी कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप खुद भी ओबीसी समुदाय में आते हैं, तो आशा करता हूँ कि आप भी हमारे कमल का फूल को जिताने में हमारा साथ देंगे और कमल का फूल का बटन को दबा के अंडमान से कमल का फूल को दिल्ली भेजने का हमारे लिए प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। तो आपने सुना स्टेट प्रेसिडेंट के आर सुरेश कुमार जी को एंड नेशनल प्रेसिडेंट ओबीसी मोर्चा के श्री डॉक्टर के लक्ष्मण जी को, यही मानना है कि इनका पूरा प्रयास है कि मोदी सरकार की तरफ से जो जो अंडमान की जनता को मिलना चाहिए, उनके जो अधिकार है, उन सब के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया और जिन जिन क्षेत्रों में यहाँ पे विकास आने वाले समय में होने वाला है उस बारे में इन्होंने अपने पब्लिक मीटिंग्स में बताया। अब 19 तारीख तय करेगी कि अंडमान की जनता किसे चुनती है और इसका जो निर्णय है उसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा 4 जून का, जब इस बात की खुलासा हो जाएगी कि यहाँ पर क्या दोबारा से कमल खिलेगा, बीजेपी की सरकार आएगी या नहीं आएगी। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, इसकी अपडेट हम आप लोगों को लगातार देते रहेंगे। अंत में मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि बेशक चुनावी माहौल है, इसको आप बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा और इस बात को सुनिश्चित कीजिएगा कि आप जो है अगर 18 बरस या उससे ऊपर हैं तो अपने निकटतम मतदान केंद्र ज़रूर जाएं और मतदान ज़रूर करें। आप देख रहे हो कि किस तरह भारत सरकार और हमारी अंडमान प्रशासन स्वीप के माध्यम से भी जो है जगह जगह अनेकों प्रकार से लोगों को जागरूक कर रही है कि मतदान करना कितना आवश्यक है। अगर आपको एक अच्छी सरकार चाहिए, पारदर्शिता वाली सरकार चाहिए, एक ऐसी सरकार चाहिए जो विकास की राह में काम कर रहे हो जैसा आप चाहते हो, तो फिर ये आपका भी दायित्व बनता है कि आप उस दिन जो है घर ना बैठे, इसको हर त्योहारों से बड़ा त्योहार समझे, तभी इसे चुनावों का पर्व कहा गया है। तो इसको गंभीरता से लेते हुए आप 19 अप्रैल को ज़रूर जाएं, घर से बाहर निकलें और अपना एक कीमती वोट अवश्य दें। इसी उम्मीद और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7, नमस्कार।